अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, वो जो चैप्टर हमने उठाया था ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन टॉपिक हमने कब का उठाया है, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट किए हैं बेटे। उसके बाद मैंने आपको म्यूटेशन भी पढ़ाया था, म्यूटेशन क्या होता है। उसके बाद बेटे, तो आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खाली एक चीज आपको करना है बेटे, आपको खाली जो है गौर से सुनना है। चलिए बेटे, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। असल में सब तीन टॉपिक्स है और इंशाल्लाह इसके बाद हम तीन लेक्चर्स और देके इस चैप्टर ही को खत्म कर देते हैं। तो बेटे, टॉपिक जो है हमारा आज का, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं ये बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। इससे पहले मैं आपको यह बताऊं बेटे कि साइंस कहती है और कुरान भी इस चीज का गवाह है, पहले दुनिया में कोई चीज ही नहीं थी, यहां पे कुछ नहीं था। यहां पे बेटे साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस कहते हैं कि सबसे पहले ना स्टार्स थे, ना सोलर सिस्टम था, ना कोई गैलेक्सी थी, ना हमारी मिल्की वे थी, ना हमारा अर्थ था बेटे, कुछ भी नहीं था यहां पे दुनिया में। बल्कि बेटे इतनी जो बड़ी कायनात है, ये फिर वजूद में कैसे आ गई, मसला यह है बेटे। कुरान भी इस चीज को बयान करता है और बेटे साइंस भी इस चीज को कहता है कि पहले जमाने में, यानी कि 500 या 5 बिलियन ईयर्स पहले बेटे, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पे 5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 5 बिलियन साल पहले क्या था बेटे, दुनिया कहीं पे नहीं थी। बल्कि यहां पे एक बहुत बड़ी एक बॉल थी, बहुत हॉट, एक गर्म एक बॉल थी बेटे। हां, इस बॉल में बेटे हाइड्रोजन गैस रहा करता था, ये बहुत गर्म थी। ये बॉल जो है बेटे, ये बहुत बड़ी थी, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रहा करता था और बहुत गर्म थी। और बेटे एक दिन क्या हुआ कि इस गैस, यानी कि जो बॉल है जिसमें गैस हाइड्रोजन पाया जाता था, इसमें बेटे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बेटे फट गई। जब ये बेटे फट गई ना, तो उसके बाद हुआ क्या, जब ये बेटे फट गई, हाइड्रोजन गैस जो है बेटे इससे बाहर निकल की ओर आने लगा। हाइड्रोजन गैस जो है बेटे उस वहां से क्या बाहर निकलने आने लगा। बेटे आपको पता है जब ये बहुत बड़ी बॉल फट गई ना, हाइड्रोजन गैस जो है ये बाहर निकलने आने लगा। और इन हाइड्रोजन गैसेस ने क्या बनाया बेटे, इन हाइड्रोजन गैसेस ने, ये हाइड्रोजन गैस जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बाहर निकले, करोड़ों के मॉलिक्यूल्स बाहर निकले बेटे, इन्होंने गैलेक्सीज बनाई। क्या बनाई इन्होंने? गैलेक्सीज बनाई इन्होंने बेटे। हमारी भी एक गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो दैट मीन्स बेटे, जब ये कॉमन एक बहुत बड़ी बॉल थी, इस बॉल को बेटे हम बोलते हैं सोलर नेब्यूला। क्या बोलते हैं? सोलर नेब्यूला, या हम बोलते हैं कॉमन नेब्यूला। सोलर नेब्यूला बोलो या कॉमन नेब्यूला बोलो बेटे। इसके बाद क्या हुआ, जब ये कॉमन नेब्यूला है, सोलर नेब्यूला, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रहा करता था, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये बॉल फट गई। इससे हाइड्रोजन गैस जो है बेटे वो छलकने लगा, वो दूर भागने लगा बेटे। जब हाइड्रोजन गैस यहां से भी बाहर निकलने लगा, यहां से भी, यानी कि फैट, यानी कि हाइड्रोजन गैस वहां से आ गया, उसके बाद बेटे इन हाइड्रोजन गैसेस ने क्या बनाया, इन्होंने बेटे गैलेक्सीज बनाई। कुछ गैलेक्सीज इस साइड बनाई, कुछ गैलेक्सीज वहां से बनाई, कुछ गैलेक्सीज बेटे यहां पे बनाई। इसी तरह बेटे आपको पता है टोटल में 1,00,000,000 गैलेक्सीज बनाई। ये कॉस्मोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि आजकल की डेट में दुनिया में बेटे इस कॉमन नेब्यूला जब फट गया, तो बेटे वहां से 1,00,000,000,000 ये गैलेक्सीज बनी। तो बेटे मैं बता सकता हूं, कॉस्मोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं बेटे कि 1,00,000,000 गैलेक्सीज बन गई। तो बेटे आपको पता है इसी तरह दुनिया वजूद में आई। मुझे इसको डिटेल में खींचना नहीं है, तो आपको पता है फाइनली क्या हुआ। ये जो अब जब ये गैलेक्सीज बन गई, ठीक है ना, एक गैलेक्सी बन गई, हर गैलेक्सी का नाम अलग अलग है, इसी तरह यहां पे भी एक गैलेक्सी बन गई। यहां पे भी बेटे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आ गए, इन्होंने भी यहां पे एक गैलेक्सी बनाई। बेटे इस गैलेक्सी को हम बोलते हैं क्या, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी बेटे जो
हमारी जो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं यानी कि अर्थ जहां पे रहती है, इंसान जिस गैलेक्सी में रहते हैं बेटे, वो यही मिल्की वे गैलेक्सी है। तो पूरी दुनिया में 1,00,000 गैलेक्सीज हैं, यानी कि एक गैलेक्सी इन 1,00,000 गैलेक्सीज में ऐसी है जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम आता है। उसके बाद आपको पता है बेटे, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इसमें जो सन है वो कैसे बना, ओरिजिनेशन ऑफ सोलर सिस्टम मसला तो है ना सर। अब देखिए सन कैसे बना, ये प्लैनेट्स कैसे बने। देखिए बेटे, ये जो सन है इसमें वो वाले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ गए जो बहुत ज्यादा गर्म थे, अब देखिए वो बीच में आ गया, यानी कि इस कॉमन नेब्यूला से एक चंक, एक पीस ऐसा निकला बेटे, वो यहां पे आ गया। जब वो यहां पे आ गया है ना, अब देखिए एक शोला ऐसा यहां से निकला कॉमन नेब्यूला से, वो शोला बेटे यहां पे आ गया, उसी को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। फिर हुआ क्या बेटे, उस शोले से भी क्या, उस शोले ने वो रोटेट करने लगा। जब वो बेटे रोटेट करने लगा, हुआ क्या बेटे, रोटेशन के दौरान इसमें यहां पे हाइड्रोजन थे ना, मेरा मसला है जब कॉमन नेब्यूला बेटे यानी कि फट गया ड्यू टू इट्स हाई टेंपरेचर, जब ये बेटे फट गया, यहां से एक पुर्जा, एक हिस्सा यानी कि एक चंक बेटे यहां की ओर आ गया, यहां पे इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सीज तो बनाई ना, एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी बनाई। मिल्की वे गैलेक्सी बेटे ये भी गर्म होगी उस वक्त, जरूर होती। अब देखिए फिर क्या हुआ, बीच में बहुत ज्यादा गर्म थी, ये मिल्की वे गैलेक्सी कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, रोटेशन के दौरान हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रहे थे, ऐसे बेटे दूर दूर आ रहे थे, ऐसे ऐसे दूर दूर आ रहे थे बेटे। जो बीच में जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के थे ना, उन्होंने सन बनाया, और जो थोड़े दूर आ गए उन्होंने मरकरी बनाया, जो और दूर आ गए उन्होंने अदर स्टार्स बनाए, उन्होंने बेटे प्लैनेट अर्थ बनाया, उन्होंने बाकी जो स्टार्स बनाए, सन यानी कि सन भी बनाया। दैट मींस बेटे सन जो है ये कॉमन बीच में बन गया, ये हॉटेस्ट था। आज भी सन में क्या होता है बेटे, सन में मसला ये होता है कि हाइड्रोजन गैसेस आज भी मौजूद है, वो हाइड्रोजन गैसेस मिलके हीलियम गैस बनाते हैं, और ड्यूरिंग देयर कोलिजन जब हाइड्रोजन गैस मिल रहे होते हैं, वो हीलियम बना रहे होते हैं, उस वक्त बेटे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी के साथ साथ हीट भी निकलती है, और बेटे लाइट भी निकलती है, इसलिए हमें लगता है सन एनर्जी देता है। बहरहाल बेटे इस तरह जो अर्थ कैसे बना, देखिए बेटे इसी जो बीच में चंक आ गया था, ये चंक जब रोटेट करने लगा, रोटेशन के दौरान एक पीस यानी कि बाहर की ओर भी आ गया, जिसे हम अर्थ बोलते हैं बेटे। हाँ, जब ये ऐसे रोटेशन करने लगा ना, जो हेवी मटेरियल है वो बीच में आ गए, इसीलिए हमारी जमीन के अंदर हेवी मेटल्स पाए जाते हैं। चले बहरहाल बेटे, मैंने इस बिग बैंग थ्योरी, इसी को तो हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी का मतलब एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, धमाक जिस वक्त बेटे ये कॉमन नेब्यूला फट गया। क्यों फट गया, इसमें बेटे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये फट गया। जब ये फट गया क्या बन गई, गैलेक्सीज बन गई, एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी बन गई बेटे। इसी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं पहले दुनिया कहीं नहीं थी। मसला ये हुआ कि ये जो एक कॉमन नेब्यूला पहले जमाने में रहा करता था, वो कॉमन नेब्यूला फट गया बेटे, एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, यानी कि धमाके से फिर बाकी प्लैनेट्स स्टार्स बने, यानी कि मरकरी बना, बाकी अदर यानी गैलेक्सीज बनी, यानी कि स्टार्स बने। आपको पता है बेटे मसला क्या हुआ, जो ये स्टार्स, ये जो गैलेक्सीज है, यहां पे एक गैलेक्सी बनी, यहां पे एक गैलेक्सी बनी, बहुत सारी गैलेक्सीज तो बन गई, हम मान लेते हैं 1,00,000,000 गैलेक्सीज यानी कि बिलियन गैलेक्सीज बन गई बेटे। आपको पता है एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के साथ क्या, यानी कि ये रिपल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे होते हैं, आज भी कंटिन्यूअसली ये एक दूसरे से एक गैलेक्सी दूर भाग रही होती है। किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से, तो मैं बता सकता हूं 3×10^8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर भाग रही होती है बेटे। अब देखिए इधर ये जो गैलेक्सीज है, इधर के ये जो गैलेक्सीज है, अलग अलग गैलेक्सीज है, इस तरह मैंने मिल्की वे गैलेक्सी भी बताई। अब ये जो बाल कहां पे रह गए बेटे, खत्म हो गए ना, जब ये बाल ही फट गई। अब देखिए इसी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी कि उस वक्त साइंटिस्ट ने बताया था ये जो धमाका हो गया, कॉमन नेब्यूला फट गया, वहां से गैलेक्सीज बन गई, उस वक्त एक धमाका हो गया था, हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकला, और बेटे वो हाइड्रोजन गैस इन गैलेक्सीज में जमा हो गया बेटे। इसी तरह कुरान भी इस चीज को, कुरान ने यानी कि इन साइंटिस्ट की थ्योरी से पहले ही यानी कि वाजिया करके रखा कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, कुरान बेटे इस थ्योरी को मानता है। आपको पता है सूरह अंबिया में और चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 वहां पे बेटे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अवलम यरल लजीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज
والارض كانت رتقا ففتقنا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. अल्लाह ताला इस कुरान पाक में इस आयत में चैप्टर नंबर 21 सूरह अंबिया वर्स नंबर 30 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम जो चीजें दुनिया में है मैंने इनको क्या मैंने यानी कि तोड़ फोड़ सबसे पहले की, यानी कि इस कामन नेब्यूला को क्या किया, इसकी तोड़ फोड़ की, उसके बाद मैंने पहाड़ भी इससे बनाई, मैंने गैलेक्सीज बनाई, मैंने मिल्की वे गैलेक्सी बनाई, मैंने अर्थ बनाया, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया, इसी इस यानी कि इस बिग बैंग थ्योरी से मैंने धमाका किया. और फिर अल्लाह ताला इसी में फरमाते हैं कि उसके बाद यानी कि जो जमीन है इसके ऊपर मैंने इंसान को पैदा किया, बट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो तो पानी से ही मैंने पैदा किए हैं, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं. अब बेटे ये जो गैलेक्सीज जो है ना, ये इनमें जो स्टार्स होते हैं, देखिए बेटे गैलेक्सीज में हर गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं, स्टार्स कंटिन्यूसली मर भी जाते हैं यानी कि खत्म भी हो जाते हैं और नए नए बनते हैं, समझ आए, कंटिन्यूसली. चलिए बेटे उसके बाद हमारा जो टॉपिक है ना, ये बेसिक मैंने कुछ बुनियादी चीजें एक्स्ट्रा बताई थी. जो हमारा अर्थ जो यहां पे बेटे बना इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, वहां पे हमारा अर्थ है थर्ड पोजिशन पे. जो अर्थ है बेटे जब ये भी बना कब, 5 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा अर्थ बना, युतीय टासराय अल्लाह तालन कर, जब ये फट गया नेब्यूला उसके बाद हमारा अर्थ भी बना था. दैट मीन्स साइंटिस्ट एस्टिमेट दिस अर्थ वॉज फॉर्मड बिफोर 5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 5 बिलियन ईयर्स पहले जमीन बन गई. और बेटे याद रखना उस वक्त जो जमीन बनी थी ना हर चीज गर्मा गर्म थी, ठीक है ना, हर चीज गर्मा गर्म थी, शोला था शोला. जो बेटे हमारी अर्थ थी ना उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस था और अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था. एंट्रेंस का पॉइंट है, दैट मींस प्रिमिटिव अर्थ, पहले जमाने का अर्थ जो है बेटे वो रिड्यूस्ड टाइप का था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था. बेटे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है हम उसे रिड्यूस्ड टाइप बोलते हैं, दैट मींस आवर प्रिमिटिव अर्थ वाज ऑफ रिड्यूस्ड टाइप, उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस थी. इतना ही नहीं बेटे हमारे पहले जमाने का जो अर्थ है बेटे इसमें कार्बन भी पाया जाता था इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, मीथेन के फॉर्म में, कार्बन डायरेक्ट यानी कि कार्बन इनेट फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो मीथेन के फॉर्म में पाया जाता हमारा बेटे. जो उस वक्त ये अर्थ था उसमें बेटे उस वक्त नाइट्रोजन पाया जाता था, बट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. तो हम बता सकते हैं हमारे उस वक्त के बेटे जो अर्थ है, हमारे अर्थ का उस वक्त जो एटमॉस्फियर था उसमें बेटे कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड बेटे वहां पे हीलियम गैस पाया जाता था. बट याद रखिए कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मीथेन एंड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया पाया जाता था. फिर अब हम देखेंगे कि क्या कोई थ्योरी सपोर्ट करती है ये जो बिग बैंग यानी कि ये धमाका हो गया, क्या दुनिया में कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जो इसको सपोर्ट करते हैं, नहीं जी ये बिग बैंग हो गया उसके बाद हमारा अर्थ बना, हमारे अर्थ में ये एटमोस्फियर था, हमारे अर्थ का उस वक्त का जो एटमोस्फियर है उसमें 6000 डिग्री सेल्सियस था और बेटे हमारे अर्थ में 4 किस्म के गैसेस हीलियम कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन पाया जाता था. बेटे क्या हाँ कोई थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं, अब हम उन्हीं थ्योरीज को देखेंगे. अब बेटे हमारा जो इसी में एक सब टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. चलिए हमने देखा दुनिया कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे बना, अब हम देखेंगे इस सोलर सिस्टम में जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर लाइफ कब बनी और कैसे बनी, ठीक है बेटे. अब इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए उन्होंने काम किया इस पे, बोला कि लाइफ जो है ये इससे आई, लाइफ जो है ये अब आई, ये लाइफ जो है ये कब की आई है, डेट अपने अपने बताए. कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ ने आइडियोलॉजी के बेस पे बात को सामने रखा, बट बेटे मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जिंदगी कैसे दुनिया में वजूद में आ गई बेटे, इस चीज को हम बोलते हैं बायोपायोसिस. बायोपायोसिस, पायोसिस का मतलब बनना, बायो का मतलब होता है लिविंग, मींस कि लिविंग फॉर्मेशन. बेटे इसी तरह यानी कि चाहे आप ओरिजिन ऑफ लाइफ बोलो या बायोपायोसिस बोलो, बहुत सारी थ्योरीज है
जिनको बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया है, बट कुछ थ्योरीज ऑन द बेस ऑफ रिलीजन है, रिलीजन के बेसिस पे रिलीजन अपना व्यू देता है। नहीं जी, लाइफ जो है ये यहां से आई और इसको किसने बनाया, अलग अलग रिलीजन जो है अलग अलग व्यूज देते हैं। ठीक है बेटे, चले इधर के, और हिंदू मजहब की गीता जो है वहां पे भी इसका एक जिक्र है, और हमारे कुरान पाक में चैप्टर नंबर 21 ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, चैप्टर नंबर 21 सूरह अंबिया के अंदर, और बेटे वर्स नंबर है 30, वहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है, मैंने अभी भी आपके सामने आयत रखी थी, मैं फिर से आयत को दोहराता हूं, अल्लाह ताला वहां पे फरमाते हैं उस आयत में कि हमने लाइफ को कहां से स्टार्ट किया। बेटे इससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि लाइफ जो है ये कहां से बनी है। हमारा जो इस्लाम है ये भी एक पॉइंट सामने रखता है कि हमने लाइफ को कहां से ऑरिजिनेट किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, द सुपर पावर फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवलम यरल्लजीन कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज कानता रत्कन ففتقناهुमा وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं मफ़हूम कि हमने तमाम जो दुनिया के अंदर लिविंग्स रहते हैं हमने उनको एबायोटिक से यानी कि वाटर से बनाया है। तो बेटे हम यहां पे मैंने आपको बताया कि कुछ थ्योरीज लाइफ कैसे बनी उस पे थ्योरीज दी गई, कुछ रिलीजन के बेसिस पे हैं, जैसे इस्लाम एक रिलीजन है वो बोलता है लाइफ जो है हमने उसको वाटर से बनाया है, यानी कि वाटर से हमने तमाम लिविंग्स को बनाया है, नंबर एक। और बेटे उसके बाद कुछ अलग रिलीजन्स कहते हैं कि नहीं यहां से पत्थर से लिविंग्स बन गए, और कुछ कहते हैं नहीं जी एक यानी कि वहां पे एक डस्ट पार्टिकल था वहां से लाइफ जो है वो ऑरिजिनेट हो गई। बट बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो थ्योरीज रिलीजन के बेस पे हैं, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे जो थ्योरीज है बेटे, पहली थ्योरी रिलीजन के बेस पे है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये मजाहिब के बेस पे है। एक थ्योरी ये भी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसमें क्या है हमें वो नहीं पढ़ना है। एक थ्योरी ये है बेटे, ये भी कहती है लाइफ कहां से बनी, और बेटे जो दूसरी थ्योरी है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ या कॉस्मोजॉइक थ्योरी, ठीक है बेटे। और तीसरी जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं बेटे इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, ठीक है ना, इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, ये रिलीजन के बेस पे है। इस थ्योरी में ये अलग अपनी डेफिनेशन देता है कि लाइफ कहां से बनी, ये अलग और ये अलग। बट बेटे जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है जो ये समझाती है लाइफ कहां से बनी, और बेटे असल में वो कुरान से वो थ्योरी छीन ली गई है, ठीक है, और वो एक्सेप्टेड है और प्रूवन थ्योरी है, और कुरान उस थ्योरी को बहुत सपोर्ट करता है, असल में वो कुरान ही से छीन ली गई है। तो बेटे हम अब यहां पे देखेंगे कि कौन सी मोस्ट प्रूवन थ्योरी है, उस थ्योरी का बेटे नाम है कीमोसिंथेटिक थ्योरी, ठीक है, कीमोसिंथेटिक जो एक्सेप्टेड है कीमोसिंथेटिक थ्योरी है बेटे। इसी थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो है एबायोजेनेटिक थ्योरी, एबायोजेनिक थ्योरी भी बोलो बेटे। इसी का तीसरा नाम है नेचुरलिस्टिक थ्योरी। हां बेटे इसी का नेक्स्ट नाम है केमिकल ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ थ्योरी, ठीक है। तो बेटे जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वह है कीमोसिंथेटिक थ्योरी या बायोजेनिक थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी बोलो या केमिकल ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ थ्योरी, ये सबसे एक्सेप्टेड है। और आपको पता है ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है, एक का नाम था बेटे एक
यानी कि रशियन बायोकेमिस्ट था, रशियन बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट्री जाने वाला रशियन बायोकेमिस्ट बेटे, उसका नाम था एआई ओपेरिन, एआई ओपेरिन ओपीए, और 1923 में उसने ये थ्योरी दी। रशियन बायोकेमिस्ट एआई ओपेरिन उसका नाम था, एक तो उसने थ्योरी दी थी, और बेटे दूसरा जो था उसका नाम था जे बी एस हेल्डेन, जे बी एस हेल्डेन बेटे असल में वो ब्रिटिश का रहने वाला था, बर्तानिया इंग्लैंड का रहने वाला था, उसके बाद इस नाबकार को कोई और मुल्क नहीं नजर आया और ये हिंदुस्तान का सिटीजन बनने लगा, इमिस्तेहाल जबरदस्त मुल्क। चले इधर लिखे बेटे, तो दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है एआई ओपेरिन, दूसरे का नाम है जे बी एस हेल्डेन, ठीक है। ये बेटे ब्रिटिश का रहने वाला था, फिर इंडिया में रहने लगा, इंडियन सिटीजनशिप हासिल की। एआई ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन 1923 में वो इस थ्योरी को बेचे देते हैं, ये कीमोसिंथेटिक थ्योरी या ए बायोजेनिक थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी या केमिकल ऑरिजिनेशन ऑफ लाइफ थ्योरी, वो इन्हीं दो साइंटिस्ट्स ने दी है। चले बेटे 1923 में, ठीक है। अब देखिए, इसलिए इस थ्योरी का दूसरा नाम है बेटे हाँ हेल्डेन ओपेरिन थ्योरी या ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, इस थ्योरी का दूसरा नाम है बेटे, मैं लिख सकता हूं ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, ठीक है। इन दो साइंटिस्ट ने 1923 में दी। इसमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि प्रिमिटिव जो अर्थ है, जब बेटे अर्थ बनी, देखिए सबसे पहले धमाका कब हो गया, बिग बैंग कब हो गया, जमीन जब थी नहीं, उससे पहले कॉमन नेब्यूला था, धमाका कब हो गया, 5 बिलियन ईयर्स है वो, धमाका हो गया फिर अर्थ बनी, और अर्थ को बहुत टाइम लगा संभालने में, टेम्परेचर कम करने में, ऑक्सीजन लाने में कब बहुत टाइम लगा, उसके बाद फिर करोड़ों सालों बाद बेटे फिर यहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो गई, कब, ये थ्योरी बताती है 4200 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है ना, कब 4200 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पे क्या लाइफ आ गई, यानी कि लिविंग रहने लगे, 4200 मिलियन ईयर्स पहले जमीन के ऊपर हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग आने लगे। और इस थ्योरी में ये कहता है कि जितने भी दुनिया में लिविंग्स हैं वो एबायो यानी कि नॉन लिविंग से बन गए हैं, ठीक है, नॉन लिविंग से बन गए या केमिकल से बन गए हैं या वाटर से बन गए हैं। ये इस थ्योरी में यही स्टेट करता है कि जितने भी दुनिया में लिविंग्स हैं वो वाटर से बन गए हैं, और उसके बाद जब वाटर से बन गए और फिर उनमें एवोल्यूशन हो गई, वो अलग अलग डिवाइड हो गई। तो हमारा कुरान जो है बेटे उसमें भी ये है, चैप्टर 21 में सूरह अंबिया वर्स 30 क्या फरमाते अल्लाह ताला कि तमाम लिविंग्स को हमने किससे पैदा किया, वाटर से ही पैदा किया। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है बेटे वो यही है, इसमें स्टेट ये करता है हेल्डेन एंड ओपेरिन कि 4200 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया में अर्थ के ऊपर लाइफ यानी कि आने लगी, उसके बाद ये लाइफ जो है ये वाटर से पैदा हो गई, वाटर से लिविंग्स बन गए, और उस वक्त जो जो लाइफ है बेटे यानी कि जो अर्थ है ये उस वक्त प्रिमिटिव कहलाती है, दैट मींस इस पे उतना खास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे उस वक्त जितने आज यहां पे मौजूद है।